और दादी किसके लिए है? जैसे बेसिक में दादी है, दीदी है, परदादी है। कोई है परदादी? बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में परदादी किनको कहा जाता है? दिल्ली में शांता मंदिर है, नुकसान मिली निर्मल शांता दादी को, उन्हीं का नाम शांति मंदिर। शांतामणि अलग, और कलकत्ते की निर्मल शांता दादी अलग। वो तो है बेसिक में, हद की नॉलेज है, छोटे बच्चों की नॉलेज है, और बेहद में परदादी वो है जिनके लिए अभी पिछली अव्यक्तवाणी में बोला है कि तुम बच्चों ने इन दादियों का भी श्रृंगार किया है, उनकी सरपरस्त मुखिया। यज्ञ के आदि में तुम सूर्यवंशी बच्चे थे, फिर छोड़ करके कारण या कारणे चले गए, फिर यज्ञ में आते हो। तो आदि में भी तुमने उन दादियों का श्रृंगार किया था, आदि में गुण रत्नों से श्रृंगार किया था, आदि में हो सो अंत में भी होगा। आदि सो अंत, आदि में गुण रत्नों से श्रृंगार किया और अंत में एडवांस में ज्ञान रत्नों से तुम उनका श्रृंगार करेंगे। तो जैसे बेसिक में दादियां हैं, वैसे एडवांस में भी दीदी दादियां हैं। बड़ों को ही कहा जाता है सम्मान देने के लिए, लेकिन दादियों में भी कोई पर दादी। सूर्यवंशी घराना है तो सूर्यवंशी घराने में कोई माता पिता की स्टेज पर भी होंगे, बाप तो बाप ही है, दादे कहा जाता है, दादे है तो दादी भी चाहिए। जो ज्ञान में गुण रत्नों में धारणा में सब बातों में आगे हो, एडवांस में चंद्रवंशियों का भी ग्रुप है, इस्लाम वंशियों का भी ग्रुप है, बौद्धि वंशियों का भी ग्रुप है, हर प्रकार के बारह बारह के नौ ग्रुप हैं। उन सबका पूर्वज कौन सा ग्रुप है? सूर्यवंशी ग्रुप। तो सूर्यवंशी ग्रुप के में भी माला के मणकों की प्रत्यक्षता जो होती है उसमें पहले पहले कौन से दो मणके प्रत्यक्ष होते हैं? अष्टदेव। अष्टदेवों में भी वो तो आठ हैं, आठ इकट्ठे प्रत्यक्ष होंगे या नंबरवार प्रत्यक्ष होते हैं? नंबरवार में भी प्रवृत्ति मार्ग है। भाई बहन की भी बात नहीं, भाई भाई हैं। रुद्रमाला के मणके आपस में क्या है? भाई भाई। लेकिन स्त्री पुरुष का चोला है तो भाई बहन कहे जाते हैं, तो पार्टधारी हैं।
असल जो सूर्यवंशी है उनके ग्रुप में जो पहले पहले पालना करने वाले हैं, जिनके लिए बोला है कि नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, तो उनके भी कोई मुखिया के रूप में, माता पिता के रूप में पालना देने वाले हैं। इसलिए शंकर के रूप में तो शिव, बाप परम पिता परमात्मा के रूप में गाया हुआ है, लेकिन शंकर आधार किसका लेता है? अरे शिव शंकर में आता है साकार में, आकार में, तो इस सृष्टि पर आने के बाद आधार लेकर काम करता है कि बिना आधार के काम करता है? 24 अवतार गाए हुए हैं, 10 अवतार गाए हुए हैं, उनमें ज्यादातर अवतार तो जानवरियत के अवतार दिखाए गए हैं, लेकिन 2 अवतार ऐसे हैं जो मनुष्य के अवतार हैं, मनुष्य रूप में राम और कृष्ण, वो धरणी का आधार लेकर के चलते हैं। धरणी माने कन्याएं माताओं को मुखिया बनाते हैं। इसलिए भारतीय परंपरा में गायन है, यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते, नारियों की जहां पूजा होती है, मान्यता होती है, वहां देवताएं रमण करते हैं। देवताओं के पांव धरती माने मिट्टी के ऊपर, देह अभिमान की मिट्टी के ऊपर नहीं पड़ते। तो अभी देवताएं कौन है? कोई देवात्माएं है? कृष्ण की आत्मा है पहला देवता, और उसके साथ साथ सतयुग में जो भी जन्म लेंगे वो होंगे नंबर वार देवता। वो आत्माएं धारणा में तीखी है या नहीं तीखी है, है? रुद्रमाला तो वर्तमाने में अभी बंदरों की माला है या मंदिर लायक बनने वालों की है? अभी क्या कहेंगे बंदरों की? तो उनमें उन धारणावान देवताओं का प्रवेश होता है। बल जो बंदर हैं वो ऊंची चाड़ी बहुत चढ़ते हैं। कोई पेड़ होता है तो कौन सा जानवर पेड़ की टुंगस पे जाके बैठता है? कहते हैं बंदर को दिल नहीं होता है, नहीं तो ज्यादा ऊंचाई पे जो बैठता है चढ़ता है तो उसका दिल धड़कने लगता है। अब जिसको दिल ही नहीं है तो दिल धड़कने की बात ही नहीं। भावना दिल की चीज है या दिमाग की चीज है? दिल की चीज है, दिल की चीज है। तो 2 आत्माएं हैं विशेष, राम और कृष्ण। बुद्धि में तीखा कौन है और दिल में तीखा कौन है? दिल माने मन, दिल वाला है कृष्ण और बुद्धिमान है कृष्ण का बाप। तो जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं उनको कहा जाता है देवता। बेसिक नॉलेज में
जो आत्मा अभी पक्का बेसिक में निश्चय बुद्धि होकर के शरीर छोड़ रही है वो देव आत्माएं हैं, धारणा वाली आत्माएं हैं। वो शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर से प्रवेश कर रही है, किन में प्रवेश कर रही है? एडवांस पार्ट में। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चों में प्रवेश करती है। तो दो प्रकार के देवताएं हैं, एक है 16 कला संपूर्ण बनने वाले और दूसरे जो हैं जो डायरेक्ट ब्राह्मण से क्या बन जाते हैं, देवता बन जाते हैं इसी जीवन में। जन्म लेकर देवता नहीं बनते, लेकिन बाप आकर उनको ना डायरेक्ट नर से नारायण बनाता है। तो ऐसी जो देवात्माएं हैं वो धरणी का आधार लेकर के चलती है। धरणी अर्थात कन्या माता है। जो जानवरित के देवताएं वो धारण जानवरित को धारण करने वाले भगवान के रूप हैं, जिनके लिए कहा गया है ऊंचे ते ऊंचे भगवान एक है, तो जरूर नंबरवार बनने वाले भगवान भी हैं। तो जो नंबरवार बनने वाले भगवान हैं जानवरित का जैसा स्वभाव धारण करने वाले, वो धरणी का आधार लेकर नहीं चलते हैं, वो ज्ञान के घमंड में चलते हैं, जल का आधार लेते हैं। ज्ञान जल में रहने वाले हैं, ज्ञान जल का आधार लेते हैं, धरणी को निमित्त नहीं बनाते। तो बाप आते हैं रामकृष्ण में, रामकृष्ण वाली आत्माएं किनको आधार बना करके चलती है? कन्याओं माताओं को। यज्ञ के आदि से ही कन्याओं माताओं को निमित्त बनाया है। हाँ इतना जरूर है, बोला है भारत में पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं एक जूती गई दूसरी जूती लेते हैं। ये ब्रह्मा भी मेरा पुराना तन है। कौन सा ब्रह्मा? दादा लेखराज ब्रह्मा। इससे पहले भी कोई ब्रह्मा हुआ था है? इससे पहले भी कोई ब्रह्मा हुआ था, क्योंकि दादा लेखराज ब्रह्मा तो टाइटलधारी ब्रह्मा है। असल ब्रह्मा कोई और माता थी, एडवांस में आने के बाद वो गीता माता फिर प्रत्यक्ष होती है। लेकिन जो गीता है वो मनुष्यों की बनाई हुई गीता है, मनुष्यों की बनाई हुई गीता में भगवान किसको मान लिया गया? कृष्ण उर्फ दादा लेखराज को भगवान मान लिया गया। तो जो जगदम्बा का टाइटल धारी है वो कृष्ण की सोल को भगवान के रूप में समझ लेती है। इसलिए जगदम्बा जब महाकाली बनती है तो उसके मस्तक पर चंद्रमा दिखाया जाता है। चंद्रमा किसकी यादगार है? ब्रह्मा की यादगार है। जगदम्बा ही महाकाली का रूप धारण करती है। महाकाली बनकर के क्या करती है? असुर संहारिणी कही जाती है। जो संहार होता है वो काय से होता है और स्थापना काय से होती है? पवित्रता से होती है स्थापना, और इम्प्योरिटी से होता है विनाश।
जो पवित्रता को धारण करने वाली देवी है निमित्त, उसका नाम है महागौरी। जो पवित्रता को धारण करने वाली गौरी है, खेल दिखाने वाली, उसका नाम क्या? महाकाली। वो जगदम्बा बनती है। बाप खुद विनाश नहीं कराते, शक्तियां निमित्त बनी हुई है। बाप अगर विनाश करावे तो बाप के ऊपर दोष आ जावे, फिर सूर्यवंश की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए महाकाली जब महाकाली का पाठ बजाती है तो नई दुनिया की स्थापना के लिए कोई निमित्त चाहिए। इसलिए शंकर की प्यारी नगरी काशी नगरी कही जाती है। काशी माने काश्य, अर्थात तेज को धारण करने वाली, याद के तेज को धारण करने वाली। वो माताओं की भी माता है, इसलिए परदादी है। बाबा, संगम युग की आयु 100 साल बताई गई है अधिक से अधिक, इसमें संगम जी की स्वर्ग की आयु कितनी होगी? जब बता दिया कि तुम बच्चे नई दुनिया में आना जाना करते हो, एक हाथ में नई दुनिया और कृष्ण के पांव में पुरानी दुनिया, तो नई दुनिया का फाउंडेशन कहीं से तो लगना शुरू होता होगा। कोई नई चीज बनती है तो एकदम दिखाई पड़ती है या धीरे धीरे दिखाई पड़ती है? मकान बनता है तो पहले उसका नक्शा बुद्धि के अंदर आता है, मन में आता है, फिर कागज पर बनाया जाता है, थोड़ा स्थूल रूप धारण करता है, फिर मॉडल के रूप में बनाया जाता है, मकान का छोटा मॉडल बन जाता है, और बाद में स्थूल मकान का फाउंडेशन पड़ता है। तो ऐसे ही नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूं। जैसे यज्ञ के आदि में नजारा दिखाया था छोटा सा, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच खून की नदियां बह रही थी 1947 में, और 300-400 ब्राह्मण सागर के किनठे पर कराची में एक बंगले में बड़े आराम से रहे पड़े थे। ऐसे ही जो आदि में हुआ सो अंत में भी होता है। एडवांस पार्टी की चुनी हुई आत्माएं उनका एक संगठन तैयार होता है, जिनके लिए अव्यक्त वाणी में पहले ही इशारा दिया है। एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। तो पहले कौन सा ग्रुप तैयार होता है? सूर्यवंशी ग्रुप तैयार होता है। सूर्यवंशी ग्रुप में भी 12 हैं, 4 हैं स्थापनाकारी, 4 हैं पालना करने वाले, और 4 हैं विनाशकारी। विनाशकारी कौन कौन चार ग्रुप जो है 8 पहले प्रत्यक्ष होते हैं। क्या
जो स्थापना करने वाले हैं और जो पालना करने वाले हैं वो काम ज्यादा अच्छा है, ज्यादा मेहनत का है या विनाश करना ज्यादा मेहनत का है? स्थापना पालना करना ज्यादा मेहनत का काम है, इसलिए मिस्त्रियों को ज्यादा पैसे मिलते हैं। मकान तोड़ने वाले मजदूरों को कम पैसे मिलते हैं। बाबा लक्ष्मी नारायण के मैंने जैसे कि रोग मुगली में बोल बने कि अथी में ही स्वर्ण युग में मैंने इतना लक्ष्मी नारायण बोलने वालों का सतयुग में राम सीता के पट बजाओ तो लोग थी राधा कृष्ण के जन्म देता लोग राधा कृष्ण के जन्म दे के त्रेता युग में राम सीता के पट बजाओ तो लोग दो युग हो जाता आ फिर द्वापर से लोग कोचे के पट बजाओ था लक्ष्मी नारायण सुनम युग के इनके कहने का भाव बाबा कि लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है संगम युग में राम सीता तो बजा राम और सीता वाली ही आत्मा बजाती है और त्रेता में जाकर के राम सीता बनती है तो द्वापर में फिर वो क्या उनका पाठ होता है? फिर उनके माँ बाप बनते हैं। अरे किसी जन्म में वो उनका बाप किसी जन्म में वो उनका बाप राम वाली आत्मा यज्ञ के आदि में कृष्ण को जन्म देने वाला बाप हुआ ना। सन 68 में ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, राम वाली आत्मा ज्ञान में आती है तो अपना बाप किसको समझती है? नहीं, साकार में बाप किसको समझते है? ब्रह्मा को समझती ना। ऐसे ही सन 76 में फिर क्या हो जाता, उसे अपने स्वरूप का भान हो जाता, राम वाली आत्मा को पता लगता है कि मुझे नारायण बनना है और ब्रह्मा की सोन को क्या बनना है, बच्चा बनना है, तो वो बाप हो जाती और वो बच्चा हो जाता। शूटिंग पीरियड में ही इतना परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ जो संकल्पों की शूटिंग होती है वो ही ड्रामा में ब्रॉड ड्रामा में चलती रहती। ओम राधा सरस्वती राधा के पट बजाएंगे। ओम राधे सरस्वती हाँ जैसे कि दादा लेख रज बरन भाई तो मैंने कृष्ण के पट बजाएंगे। सतयुग की राधा का पाठ बजाएगी। हाँ ओम राधा सरस्वती माँ ओम राधे ही तो सतयुग की राधा का पाठ बजाएगी। एक और सुन रहे हैं जैसे कि अष्टदेव में मैंने जैसे कि कार्तिक के आए थे कि मैंने बोल कि मैंने कार्तिक के साथ में अष्टदेव के पूजा नहीं होता है इसलिए कि अष्टदेव के 8 धर्म के पूजा होता है तो वो कौची कौची है? कार्तिक 6 मुंह वाला और अष्टदेव 1 मुख वाले, एक की मत पर चलने वाले, 6 मुख वाले के साथ उसका कैसे मेल हो सकता है? 6 मुख अर्थात 6 मुंह से बात करने वाला, कहते ना ये तो दुमुहा है। तो ऐसे ही कार्तिक 6 मुख वाला है, इस्लामी की बात कभी करेगा, कभी बौद्धियों की बात करेगा, कभी क्रिश्चियन की बात करेगा, कभी सन्यासियों की बात करेगा, कभी मुसलमानों की बात करेगा, कभी सिखों की बात करेगा। 6 मुख्य आस्तिक धर्म है तो अलग अलग प्रभावित तो होने वाला है, इसलिए उसको 6 मुख दिखाते हैं। उसकी तुलना अष्टदेवों से नहीं की जा सकती। आपकी बात का जवाब पूरा नहीं हुआ था। इन्होंने पूछा संगम युग में स्वर की स्थापना कब कही जाए? जी वो बात क्लियर हो गई? नहीं।
तो बताया कि कोई भी चीज पहले सूक्ष्म रूप में होती है, फिर बाद में बड़ा स्थूल रूप धारण करती है। तो नई दुनिया का फाउंडेशन जो है वो प्रत्यक्ष रूप में डाला जाएगा या गुप्त रूप में डाला जाएगा? गुप्त रूप में फाउंडेशन पड़ता है। कोई भी मकान की नींव डाली जाती है, फाउंडेशन डाला जाता है, तो जमीन के अंदर डाला जाता है या ऊपर ही मकान बनाना शुरू कर देते हैं? अंडरग्राउंड फाउंडेशन डाला जाता है। तो ऐसे ही अभी अव्यक्त बाप दादा ने इशारा दे दिया अष्ट देवों को कि तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात बाप दादा ने दे दी है, उसमें आना जाना करते हो ना, तो फाउंडेशन तो पड़ गया लेकिन वो गुप्त है, सबको पता नहीं चलेगा, नंबरवार को पता चलना है और वो रूप प्रत्यक्ष हो जाएगा। कब? जब वैष्णवी देवी प्रत्यक्ष होगी। वैष्णवी देवी जब प्रत्यक्ष होती है तो स्वर्ग का वो नजारा भी प्रत्यक्ष हो जाता है। और संगम जो की स्वर्ग की आयु होगा तो 30 वर्ष कहेंगे अभी, जिसमें है सारी आत्माओं का फीलिंग हो। जो बची हुई आयु है वो 30 साल है, 70 साल पूरे हुए, उस 30 साल के अंदर प्रैक्टिकल कार्य जो भी संपन्न होना है वो संपन्न होगा। प्रैक्टिकल पार्टी मैदान में आएगी। ज्योग्राफी का रिपीटेशन हमको क्लियर बुद्धि में नहीं आता। क्यों क्लियर बुद्धि में नहीं आता? ज्योग्राफी माने क्या? जैसे मान लीजिए अभी यहाँ मकान ही बना है, राजस्थान से मान लीजिए संगमरमर को काट करके यहाँ लगा दिया गया है, सब विनाश हो जाएगा, तो फिर वो संगमरमर क्या वहाँ चला जाएगा? जब आप सारी दुनिया में भूकंप जोर जोर से होंगे और भूकंप में हमें मालूम है नीचे का लबादा सारा ऊपर आता है, नीचे जो आग भरी हुई है पृथ्वी के अंदर सारा पत्थर जो है पिघल करके लिक्विड बन जाता है, आग बन जाती है। और जैसे पतीला होता है उसमें पानी खोलता है तो पानी का एक अणु दूसरे अणु से क्या करता है? मिक्स होकर के एक हो जाता है। उसमें एक बूंद, बूंद का कोई हिस्सा जैसे लाल दवा होती है पानी की, वो उसमें डाल दी जाए तो क्या होगा? तुरंत तुरंत सारे पानी में मिक्स हो जाता है। ऐसे ही दुनिया का जो भी अणु अणु है, जहां से साइकिल शुरू करता है सतयुग आदि से, वहीं 5000 वर्ष का चक्कर लगाते 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 फिर वहीं पहुंच जाएगा। अभी तो छोटे छोटे भूकंप आते रहे हैं द्वापर युग से, जब लास्ट विनाश होगा जो सैकड़ों हजारों की तादाद में एटम बम बने पड़े हैं और वो इकट्ठे फूटेंगे, जैसे दिवाली होती है ना, तो पहले बच्चे थोड़े थोड़े पटाखे छुटाते रहते हैं, एक छुटाया, दो छुटाया, चार छुटाए, आठ छुटाए, 10-20-15 छुटाए, छुटाते रहे, जब देखें थक जाते हैं तो क्या करते हैं? सारे पटाखे एक साथ आग लगा देते हैं। ऐसे ही जो भी एटम बम है वो सारे एक साथ धड़ाका होंगे। और जो माउंट आबू का कड़क से कड़क पत्थर का पहाड़ है, ग्रेनाइट का पहाड़, दुनिया का सबसे मजबूत पहाड़, जहां ब्राह्मण तपस्या करेंगे अंत तक, वो पहाड़ भी आखिरी विनाश में पिघल करके जाने कहां का कहां चला जाएगा। तो
क्यों नहीं समझ में आती हिस्ट्री ज्योग्राफी? और इतनी जब गर्मी होगी भूकंपों के आधार पर तो समंदर का जल खौलेगा या नहीं खौलेगा? बॉयल होने लगेगा और सारी पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं वो सारे पिघल करके कहाँ आ जाएंगे? समंदर में आ जाएंगे। समंदर का स्तर ऊंचा उठ जाएगा, इसलिए कहा ये बंबई आदि साहब डूब जाएंगे। तो इतनी भाप उठेगी सारी दुनिया में कि कई दिनों तक मूसलाधार बरसात होती रहेगी। लगातार बरसात होने का रिजल्ट क्या होगा? पृथ्वी का टेम्परेचर एकदम नीचे गिर जाएगा, बर्फ ही बर्फ जाम हो जाएगी। उस बर्फ के धीरे धीरे पिघलने पर जो जनरेशन बाहर आएगी, वो जनरेशन तो पहले कौन से देश में चलेगी? भारत में। भारत अविनाशी खंड है, जहां भगवान बाप आकर के प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। वो खंड 2500 वर्ष तक ज्यों का त्यों रहेगा, वृद्धि को पाता रहेगा जम्बूद्वीप, और आधा कल्प पूरा होते ही जब दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आना शुरू होती है, द्वैतवादी युग शुरू होता है, तो इस्लाम धर्म खंड प्रत्यक्ष होता है जमीन के अंदर से, वो समंदर के अंदर से। और इस्लाम धर्म खंड अरब खंड, अफ्रीका, ये विस्तार को पा जाते हैं। भारत के साथ साथ एक खंड जुड़ गया, ऐसे ही फिर बौद्ध खंड महात्मा बुद्ध के आने से पहले ही तैयार हो जाता है। जैसे गर्भ में बच्चा पहले तैयार होता है ना, आत्मा बाद में प्रवेश करती है, लेकिन पिंड पहले तैयार हो जाता है। ऐसे ही ऊपर से दूसरे धर्म की आत्माएं बाद में आती हैं, और पूर्वीय धर्मखंड जापान, चीन, अफगानिस्तान, वो ये इंडोनेशिया, तिब्बत, ये पहले समंदर से ऊपर आ जाते हैं। ऐसे ही एक एक करके ईसाई धर्मखंड, यूरोप, अमेरिका, ये भी टाइम टू टाइम ऊपर आ जाते हैं। तो पृथ्वी विस्तार को पाती रहती है। कलयुग के अंत तक जब तक भगवान का आगमन होता है, स्थापना का कार्य पूरा होता है, विनाश का फाउंडेशन, वो विनाश संपन्न होता है, पालना का फाउंडेशन लग जाता है, तो फिर सर्वधर्मखंड समंदर में समा जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी का स्तर ही सागर का स्तर ही ऊपर उठ जाता है। सागर के स्तर ऊपर जाने से सारे धर्मखंड जो पहले नहीं थे सतयुग त्रेता में, वो सब लोप हो जाते, सिर्फ भारत रह जाता। तो ज्योग्राफी समझ में आई कि नहीं? मैं जो 108 में प्रवेश करता हूँ वो ब्रह्मा की सोल इंटरफियर करके बोल रही है। वास्तव में शिव तो एक में ही मुकर्र रूप से प्रवेश करता है, 108 में जाने का मतलब 108 में सिर्फ सेवा करने के लिए जाता है। कभी दृष्टि की सेवा देता है, कभी वाचा की सेवा देता है,
कभी वाइब्रेशन की सेवा देता है, बच्चा समझाने वाला कमजोर है, हिम्मत करता है सेवा करने की, तो बाप उसमें प्रवेश करके मदद देते हैं। लेकिन बच्चे को पता नहीं चल सकता और कोई को पता नहीं चल सकता कि कब आया और कब चला गया, इसलिए कोई कह नहीं सकता कि मेरे अंदर भगवान बाप की प्रवेशता हुई। तो इसलिए वो न मुकर्रर रथ है और न टेम्परेरी रथ है। यही बात तो यहाँ पर गलत गलत अफवाह में फैलाए हुए हैं बाबा। क्या कि जैसे बोलते थे ना कि ब्रह्मा बाबा की सोल के साथ इंटरफेयर करते थे, प्रेस करते थे, फिर इंटरफेयर करके बोलते थे अपनी बात, तो क्या प्रजापिता वाली आत्मा नहीं करता होगा? प्रजापिता वाली आत्मा इंटरफेयर करेगी, जो 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 देहवान में होगा वो इंटरफेयर करेगा। टीचर पढ़ाई पढ़ा रहा है, सुप्रीम सोल टीचर बन करके पढ़ाई पढ़ा रहा है, तो उस टाइम जो देह अभिमान में होगा कि मैं ज्यादा जानता हूँ वो इंटरफियर करेगा, ये जो बीज रूप आत्मा होगी वो इंटरफियर करेगी। नहीं, जो इंटरफियर करने वाला है उसके लिए मुरली में बोला है, मैं इस ब्रह्मा से बात नहीं करता हूँ, मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, ये बीच में सुन लेता है, बीच में सुनता भी है और बीच में इंटरफियर भी करता है। जब मैं इससे बात ही नहीं करता हूँ, क्योंकि बात को मिक्स करेगा, तो काम कैसे संपन्न करेगा? ब्रह्मा वाली आत्मा में और राम वाली आत्मा में विशेष फर्क क्या है? दिल और दिमाग की। हाँ, वो आत्मा है जड़त्वमयी बुद्धि वाली, जैसे ब्रह्मा महत्तत्व पवित्र तत्व तो है लेकिन जड़त्वमयी है, और राम वाली आत्मा जड़त्व तत्व नहीं है। समझदार बाप के समझदार बच्चों में से है, जो बाप की बात को झट पकड़ लेते हैं, और दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं बाप की बातों को झट पकड़ नहीं पाती, समझ नहीं पाती, चाहे चंद्रवंशी हो, चाहे इस्लाम वंशी हो, चाहे बौद्धि वंशी हो, क्रिश्चियन वंशी हो, वो बाद में आने वाली आत्माएं जीते जी पक्की रूह बनने वाली आत्माएं नहीं है। शरीर छोड़ने के बाद दूसरों में प्रवेश करके फिर रूह बनने का पुरुषार्थ कर पाती है, वो भी अधूरी रूह बन के रह जाती है। सिर्फ चंद्रवंश की आत्माएं ऐसी हैं जो 84 जन्म लेने वाली बनती हैं, वो डायरेक्ट बाप से वर्षा नहीं लेती, डायरेक्ट बाप से वर्षा न लेने के कारण वो सतयुग में जन्म लेंगी और देवताओं से वर्षा लेंगी, डायरेक्ट बाप से वर्षा नहीं लेती। राधा कृष्ण वाली और राधा कृष्ण जैसी जो भी जन्म लेने वाली आत्माएं, जो राधा बच्ची आया है मुरली में, जो राधा बच्ची आई उसमें शिव की प्रवेशता होती थी क्या? तो 5 रूप कैसे होगा? शिव की प्रवेशता की जरूरत तब तक है जब तक पतित है, जब पतित ही नहीं है, 1 सेकंड में ज्ञान सुना और 1 सेकंड में धारण कर लिया,
हीला हवाला कुछ भी नहीं किया, पत्थर बुद्धि की बात ही नहीं, जैसे चलाओ वैसे चलेंगे, पूरी ही मोल्डिंग पावर है। जो जो की आदि में थी, ऐसे ऐसे बच्चियां थी जो बम्मा बाबा को भी ड्रिल कराती थी बाबा। दो बच्चियों की बात की है जिनमें से एक में प्रवेश होता था, इसलिए बोला 10 वर्ष से रहने वाला ध्यान में आती थी, 10 वर्ष से रहने वाला माने बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ 10 साल से रह रहा था, ध्यान में जाती थी माने कोई माता भी थी उनमें बाबा प्रवेश करते थे, वाणी चलाते थे। आज भी है नहीं, दो मुख तो हो गया बाबा, दो मुख हो गए, तीसरा मुख जो है वो वाणी चलाने वाला नहीं है। एक होते हैं बोलने वाले, एक होते हैं बोलने वाले भी होते हैं करने वाले भी होते हैं, एक होते हैं सिर्फ करते हैं न बोलते हैं, तो तीन तरह के लोग होते हैं दुनिया में। क्या बोलते भी हैं और करते भी हैं, एक होते हैं बोलते नहीं हैं करते हैं, और एक होते हैं सिर्फ बोलते हैं न करते हैं और न दूसरों को करने देते हैं। बाबा त्रिमूर्ति में किसी मूर्ति के द्वारा भी सुन द्वारा ज्ञान चलेगी ना? है त्रिमूर्ति में किसी मूर्ति होगी दो माता दो उनके द्वारा भी तो ये ज्ञान चलेगी ना, जैसे भगवान बोला परिवर्तन के ज्ञान होगी। जब ब्रह्मा सो विष्णु बन सकता है, ब्रह्मा माना कृष्ण की सोल विष्णु बन सकती है, तो राम वाली सोल विष्णु नहीं बनेगी उस समय? है बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। तो जब राम वाली सोल जो है नारायण 16 कला संपूर्ण या 16 कला संपूर्ण से भी ऊपर की स्टेज धारण कर सकती है, तो वो नारायण उसकी बुद्धि में नहीं समा जाएगा। किसकी बुद्धि में? लक्ष्मी की बुद्धि में। लक्ष्मी की बुद्धि में जो शंकर नारायण का रूप धारण कर लेता है और नारायण बन के शिव समान बन गया, शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ दिया गया, तो शिव ही हो गया ना, तो दिल और दिमाग में उसके प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे कन्या होती है, कन्या की सगाई हो जाती है, शादी हो जाती है, उसके दिल और दिमाग में कौन रमण करता है? पति ही रमण करता है। तो शिव को प्रवेश करने की दरकार है फिर नहीं? या जो बाप समान बच्चा बन चुका है वो ही सारा कार्य करेगा कराएगा? शिव शक्तियां जो गाई हुई है वो साकार में गाई हुई है या निराकार में? शिव भी साकार और शक्तियां भी साकार। वही ज्ञान ब्राह्मणों को परिवर्तन भी लाएगा, वही ज्ञान परिवर्तन में लाएगा। अच्छा बाबा, जगदम्बा को मांसाहारी का टाइटल मिला है, इसका कुछ प्रूफ है? मांस किसे कहा जाता है? मांस कहा जाता है देह को। साधारण माताएं होती है दुनिया की, जगदम्बा तो अव्वल नंबर है, उसके बाद जो दूसरे तीसरे चौथे 500 करोड़वें नंबर की जो भी माताएं होती हैं, उनकी प्रवृत्ति क्या है? वो बच्चे पैदा होने के बाद बच्चे के मांस रूपी लोथड़ों को ज्यादा महत्व देती है या बाप को ज्यादा महत्व देती है? तो उन बच्चों की अम्बा नहीं है वो बच्चों को ज्यादा महत्व देगी या बाप को महत्व देगी? बच्चों को महत्व देती है, इसलिए भले मांसाहारी का पार्ट बजाती है। मांसाहारी
देवी का दूसरा रूप है काली, महाकाली का, और देवी एक ही है, नौ रूप बना दिए गए हैं उसके, वो एक कौन है? दुर्गा। नहीं, वो एक देवी कौन है जो नौ रूपों में पाठ बजाती है? अरे अव्यक्त वाणी में बोला है एक ही देवी एक ही है जो नौ देवियों के रूप में पूजी जाती है। हाँ, नौ दुर्गों के रूप में पूजी जाती है, वो एक कौन है? ओम राधे सरस्वती। वो ओम राधे सरस्वती नौ कन्याओं में प्रवेश करके ये पाठ बजाती है और ब्रह्मा बाप की सहयोगी बनती है। ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, वास्तव में मुरली में बोला है, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए इसलिए कन्याओं माताओं के चार्ज में इनको कैसे रखा जावे? तो ओम राधे सरस्वती निमित्त बनी हुई है, बाकी वास्तव में जगदम्बा का पाठ सहन शक्ति का किसने बजाया? सब गुणों में मुख्य गुण कौन सा है? सहन शक्ति का। और माताओं में जितनी सहन शक्ति होती है उतनी किसी में होती नहीं है, तो ब्रह्मा ने माता का पार्ट अदा किया। जगदम्बा ब्रह्मा की सोले है और सरस्वती उनकी सहयोगी है, तो वही ब्रह्मा जगदम्बा फिर कोई ब्राह्मण बच्ची में प्रवेश करती है, माता में प्रवेश करती है, जो यज्ञ के आदि में थी, ब्रह्मा के प्रभाव में आ गई थी, वही माता फिर दोबारा एडवांस में आ जाती है और उसमें ब्रह्मा सरस्वती की आत्मा प्रवेश करके महाकाली का पार्ट बजाती है। तो मांसाहारी कही जाती है। क्यों मांसाहारी कही जाती है? इतने ढेर ब्राह्मण बच्चों ने सन 68 तक ब्रह्मा को दुख दिया, कोई ब्राह्मण बच्चा ये नहीं कहता कि ब्रह्मा बाबा ने हमको दृष्टि मात्र भी, वाचा मात्र भी दुख दिया है। और ब्रह्मा ने सहन किया सबको, तो सौ गुना दंड का हिसाब किताब नहीं बनता है क्या? सौ गुना दंड का हिसाब किताब बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। तो जब सौ गुना दंड का हिसाब किताब बनेगा, वो हिसाब किताब पूरा कब होगा और कौन किससे पूरा होगा? निमित्त कौन बनेगा? अरे जिस आत्मा के साथ हिसाब किताब बना है वही आत्मा निमित्त बनेगी या नहीं बनेगी? तो वो आत्मा महाकाली का रूप धारण करके उन बच्चों से अपना हिसाब किताब पूरा करती है और उनका पद नीचा कर देती है। ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश का मतलब है पद का विनाश। कहते हैं हम लोग बाबा साथ साथ क्यों नहीं चलते हैं? एक छोटा सवाल रह गया। हाँ, माताजी का एक सवाल है, पूरा हो जाने तो फिर बोलो। माताजी बोल रही हैं कि मम्मा और बाबा साथ साथ क्यों नहीं चलते हैं? अच्छा, बुद्धि से साथ रहे उसको साथ कहा जाता है,
या कंधे पे चढ़ के बैठा रहे उसको साथ कहा जाता है। बुद्धि से जो साथ रहता है उसको साथ कहा जाता है। कंधे पे चढ़ के बैठा रहे और बुद्धि दुनिया में बिखरती रहे तो उसको साथ ही कहेंगे। अंत में ऐसों का क्या हाल होगा जो कंधे पर चढ़ करके बैठे हैं मधुबन में, बाप का ही खाते हैं, बाप के मकान में रहते हैं और बाप के दिए हुए कपड़े पहनते हैं और बाप की ग्लानी करते हैं। बुद्धि बाहर की दुनिया में लटकी हुई है औरों के साथ, तो अंत में वो कहां चले जाएंगे? बाहर की दुनिया में चले जाएंगे। और जो बाहर होते हुए भी बाप का काम करते हैं, शक्तियों को क्या कहा जाता है? असुर संघारिणी। बाप संघारी नहीं है, कोई देवता संघारी नहीं है, तो महादेव संघारी कैसे होगा? शंकर थोड़े भी नाश करता है, किसके द्वारा कराता है? शक्तियों के द्वारा संघार कराता है। तो शक्तियां निमित्त बनती हैं। निमित्त बनने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि शरीर के साथ ही रहा जाए तो साथ ही है। बाप का काम तो करती है। क्या काम है बाप का? स्थापना हो गई, पालना प्रत्यक्ष होने वाली है। वो तब तक प्रत्यक्ष नहीं होगी जब तक जो असुर अंदर घुसे हुए हैं दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में, उनका सफाया नहीं हो जाता तब तक पालना प्रत्यक्ष नहीं हो सकती, नई दुनिया प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। इसलिए जो दुर्गा है सतो प्रधान स्टेज में, दुर्गुणों को दूर करने वाली, वो ही तामसी स्टेज धारण करती है और महाकाली का पाठ बजाती है। ये कैसा पाठ है? सबकी बुद्धि में समझ में आने वाला पाठ नहीं है। जो ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हैं वो ही मुझे प्रिय हैं। जो अज्ञानी है वो तो भगत हैं, भगत दुनियावी रीत रस्म की बातों को पकड़ते हैं, ज्ञान की बातों को नहीं पकड़ सकते। बाप का काम अगर जगदम्बा करती है महाकाली बन करके, तो बाप अंदर अंदर खुश होना चाहिए या बिगड़ना चाहिए? इसलिए महाकाली छाती के ऊपर पांव रखती है और वो आराम से सोने का बहाना बना जाती है। बाबा मुरली में सुन रहे हैं कि तीन तरह के लक्ष्मी होती हैं। मुरली में सुन रहे हैं? हाँ। तीन तरह की लक्ष्मी? हाँ। किस आधार पर? मुरली में? हाँ। कौन सी मुरली है? हमारे याद नहीं के कैसठ के नंबर। 63 जन्म की कैसठ के नंबर याद नहीं के, लेकिन अब मुरली में और याद करो। ऐसे कहने से थोड़ा ही हो जाएगा। जैसे कि राजलक्ष्मी महालक्ष्मी, एक कौन लक्ष्मी? वो तो महालक्ष्मी की बात करो जिसमें लक्ष्मी भी ऐड हो जाती है। महालक्ष्मी जब बनती है तो उसमें जगदम्बा का पार्ट भी ऐड हो जाता है, उसको कहते हैं महालक्ष्मी। जितने भी ब्रह्मा बनने वाली आत्माएं हैं उनमें जो पुरुष पार्टधारी हैं, उन दो को छोड़ करके बाकी जो तीन स्त्री चोले हैं, लक्ष्मी है, जगदम्बा है, ओम राधे है, ये तीनों ही लक्ष्मी के रूप हैं। लेकिन नंबर 12 होने के कारण एक महागौरी है, एक गौरी है और एक महाकाली है।
जब इनके सबके संस्कार मिलकर के एक होते हैं तो महालक्ष्मी कही जाती है। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी ही तीनों है, लक्ष्मी का तो आवाहन किया जाता है, महाकाली का आवाहन थोड़े ही करते हैं। ना अव्यक्तवाणी में बोला हुआ है महाकाली का आवाहन करो, जो महाकाली के कुल के होंगे उनको ये सवाल पैदा होगा कि महाकाल के साथ महाकाली क्यों नहीं है, हमारी अम्मा भी तो होनी चाहिए। ये सीढ़ी वाली चित्र है, हाँ जी, इसमें जहाँ साधु संत को मीटिंग करते हुए दिखाया गया है और वहाँ लिखा हुआ है कि जो परमात्मा के विपरीत बुद्धि वाले हैं वो विनश्वर हैं, और जो इस साइड के जो यहाँ मामा बाबा बैठे हुए हैं वहाँ भी इसी बात को लिखा हुआ है, वहाँ भी इसी बात को बाद में एडवांस में लिखा गया, पहले नहीं लिखा हुआ था। इसको मैं क्लियर नहीं कर पाता हूँ ऐसा क्यों हुआ था, इस पर ऐसे बीके में तो वहाँ ऐसे लिखा हुआ है ठीक है, लेकिन यहाँ मैं इस बात बीके वाले लौकिक बातों को उठाते हैं या ब्राह्मणों की दुनिया में हर बात को उठाते हैं? पहले परिवर्तन ब्राह्मणों की दुनिया में होगा या बाहर की दुनिया लौकिक दुनिया में होगा? तो उनकी बुद्धि जहाँ तक है, जिस दुनिया में रमी हुई है, वो हद की दुनिया की बातें उनकी बुद्धि में आती है, और जो एडवांस में चलने वाले हैं, उनकी बेहद की बुद्धि है, वो जानते हैं कि विनाश ज्वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई तो सन 76 में विघटन पहले कहां से शुरू होगा? ब्राह्मणों की अंदर की दुनिया से होगा या बाहर की दुनिया से होगा? सन 76 में विनाश की जो घोषणा की थी वो कहां की बात है, बाहर की दुनिया की बात है या ब्राह्मणों की दुनिया की बात है? बात समझ में आ गई? हाँ जी, बाबा कृष्ण का जो जन्म है स्थूल जन्म 1918 से दिखाया जाएगा नई दुनिया के बीच में, नई दुनिया में कृष्ण का स्थूल जन्म दिखाया जाएगा ना, स्थूल जन्म 1918 से राधा कृष्ण का जन्म जो है 2018 से बताया गया ना बाबा कि 2018 से मैंने राधा कृष्ण का जन्म होगा, तो उनका तो जन्म नई दुनिया में होगा, तो क्या स्थूल रूप में हो जाएगा ना, उनको शरीर मिल जाएगी क्या? जो राधा कृष्ण है जिनका गायन है शास्त्रों में उनसे हमारा लेना देना है, या सतयुग में जो कृष्ण पैदा होगा उसका हमारा लेना देना है? सतयुग में जो बाबा पैदा हो गायन तो यहाँ संगम जी करना होगा, जो भी शास्त्रों में गायन है पूजन है वो संगम युगी कृष्ण का है या सतयुग में पैदा होने वाले देवताओं का है? संगम है, संगम युगी कृष्ण का गायन है ना, संगम युगी कृष्ण के लिए सारे शास्त्र नुधे पड़े हैं, सतयुगी कृष्ण का कोई गायन नहीं है, सतयुगी नारायणों का कोई गायन नहीं है, सतयुग में 8 नारायण होंगे उनके मंदिर बने हैं उनकी पूजा होती है, न पूजा होती है न मंदिर बने हैं न मूर्तियां बनती हैं। जो संगम युग में गायन है राम कृष्ण की आत्माएं जिस शरीर में पार्ट बजाती है और शिव भी प्रवेश करके जो पार्ट बजाता है उस मूर्ति का गायन पूजन है। जिनकी बुद्धि जाती है सतयुगी कृष्ण की तरफ तो समझ लो इस जन्म में वो प्राप्ति करने वाले नहीं है, लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी नारायण वाइब्रेशन का प्यार ले रहे हैं,
और नीचे राधा कृष्ण खड़े हुए हैं, वो कौन सा प्यार ले रहे हैं? तो देवान का प्यार कौन सा है और रूहानी प्यार कौन सा है? वाइब्रेशन का प्यार रूहानी है, वो रूहानी दुनिया में दिखाए गए हैं। इसलिए जो संगम युगी लक्ष्मी नारायण ऊपर खड़े हुए हैं, उनके शरीर के चारों तरफ दिव्य प्रकाश दिखाया गया है। माने भो सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युगी दुनिया में रहते हैं, बाहर की दुनिया में उनकी बुद्धि नहीं जाती। और जो राधा कृष्ण है नीचे, वो देह की दुनिया में। तो ये अंतर पड़ जाता है। जो इस समय सोचते हैं कि मम्मी बाबा साकार में क्यों नहीं है, तो मम्मी जो है उसका नाम ही तुमने रख दिया मम्मी। मम्मी का अर्थ क्या होता है? मुर्दा। तुमने खुद ही तो मुर्दा बनाया। जैसा नाम वैसा काम हुआ ना। वो वाइब्रेशन की दुनिया में नहीं रहती है, वो मुर्दों की दुनिया में रहती है, मुर्दों की पालना में लग जाती है। सारा जगत उसका बच्चा है। इस्लामी भी उसके बच्चे हैं, बौद्धी भी उसके बच्चे हैं। बच्चे हैं तब जगदम्बा है, या नहीं बच्चे हैं तब जगदम्बा है? सारी दुनिया उसके बच्चे हैं। बड़े से बड़े पापाचारी भी उसके बच्चे हैं। इसलिए मुरली में बोला है, देवी की पुजारी है रावण संप्रदाय। अरे बाप ने मुरली में कब बोला? बेसिक नॉलेज वालों को बोला है या एडवांस वालों को बोला कि तुम अम्मा 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 को याद करो? अम्मा को याद करने के लिए कहीं मुरली में बोला? बोला मुरली में तो बोला एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अगर दूसरे का चिंतन बुद्धि में चलता है तो परचिंतन हुआ ना, है? और परचिंतन पतन की जड़ बन जाती है, पद नीचा हो जाएगा, दूसरे धर्म के मन के साबित हो जाएंगे। फायदा होगा घाटा होगा, विनाश होगा या स्थापना होगी? पद का ही विनाश हो गया। और ज्ञान में चलने के बाद जुगलों में खिटपिट क्यों होता है? जो शक्ति की अम्मा बाप है उनमें खिटपिट चल रही है कि नहीं? जो सारी शक्ति के माँ बाप है, जगत पिता जगदम्बा, जब उनमें ही खिटपिट चल रही है तो दूसरे कौन से बच जाएंगे? और बाबा इस समय लगता है कि हम ब्राह्मण परिवार में कुछ ह्रास हो रहा है। क्या हो रहा है? ह्रास माने कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो माने टूट रहे हैं। संख्या कम हो जाना ह्रास होता है। पांडवों की संख्या कितनी थी? पांच। और कौरवों की संख्या कितनी थी? सौ। तो कहेंगे कि पांडवों का ह्रास था। हमको ऐसा लगता है कि वो संख्या ज्यादा बढ़ना, संख्या बढ़ना उसको ह्रास कहते हैं, या क्वालिटी बनना, क्वालिटी का संगठन तैयार होना उसको ह्रास कहते हैं। ह्रास किसको कहा जाता है? संख्या बढ़ने को ह्रास कहा जाता है, और क्वालिटी तैयार करने को उत्थान कहा जाता है। आपकी बुद्धि किधर जानी चाहिए? क्वालिटी किधर जानी चाहिए? और जो ह्रास होना है, जिनको मरना है, वो तो मरना ही है, क्या कर सकते हैं? कहने का मतलब जो अभी असुर संहार का पाठ चल रहा है क्या? असुर संहार का पाठ तब से ही चल रहा है जब से बोला दोनों हाथों में झाड़ू लेके खड़ी हुई है, और तभी से तैयार हुई खड़ी है।
जब अष्टदेव में दो का प्रत्यक्षता हो रही है ना तो संगठन तैयार हो रहा है या नहीं हो रहा है? ब्राह्मणों का संगठन प्रत्यक्ष हो रहा है ना? तो जब एक तरफ स्थापना हो रही है तो विनाश नहीं हो रहा? स्थापना और विनाश साथ साथ होता है या आगे पीछे होता है? जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी उतना उतना विनाश होता जाएगा। यज्ञ के आदि में भी हिरोशिमा नागासाकी में विनाश की लीला चली थी, तो ब्राह्मणों के यज्ञ में भी स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। विनाश की शुरुआत मुंबई से होगी ना बाबा? भारत में विनाश की शुरुआत तो मुंबई से होगी ना? ये नहीं कहा मुंबई से विनाश की शुरुआत होगी, ये कहा कि बंबई है विनाशकारी और दिल्ली है स्थापनाकारी। और बाप की गलानी का गुम कहाँ से फूटेगा बाबा? बाप की गलानी तो जब से बाप आया हुआ है सृष्टि पर तब से ही गलानी हो रही है और गलानी बढ़ती ही जावेगी। मुझे तो लग रहा है बिहार से ही शुरू कर दिए हैं। बिहार से ही शुरू कर दिए। मेरे बच्चे ही मेरी गलानी करते हैं, क्या बड़ी बात है? अबे यहाँ बड़े बड़े महारथी भाई लोग ही उलटे पुलटे हैं। बड़े बड़े महारथी भाई जो पुराने पुराने थे वही लोग उलट पुलट कर रहे हैं। बाप कहीं साजन बाबा। जिनकी जैसी धारणा वो उतनी ही प्राप्ति करेंगे ना। 63 जन्मों में जिनका रामकृष्ण की आत्माओं से जैसा जैसा हिसाब किताब रहा होगा वैसा ही वैसा उनके संकल्प बुद्धि में आएंगे या दूसरे आएंगे? जो रामकृष्ण वाली आत्माओं के साथ जिन्होंने जो संबंध नहीं निभाया होगा वो संबंध उनकी बुद्धि में आएगा क्या? आएगा? आएगा ही नहीं। शिव बाबा पाठ कहाँ तो जा रहे हैं? तो कहते हैं कि उन्हीं में, फिर कहते हैं कि तब आप लोग ऐसे कहे करते रहते हैं? तो कहते हैं कि बाप शराबी निकलेगा तो बच्चा उसको कुछ कहेगा नहीं। माना उनकी बुद्धि में देहधारी बसा हुआ है या शिव बाप ज्योति बिंदु बसा हुआ है? देहधारी बसा हुआ है। वो किसकी ग्लानी करते हैं? देहधारी बसा हुआ है। जैसे बेसिक नॉलेज में देहधारी दादा लेखराज ब्रह्मा बस गया, वो लोग मानो ऐसे ही यहाँ कोई जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं बाबा। कहाँ जाने दो, जो जहाँ जिस जो जहाँ जिस, ये तो पहले ही बता दिया कि बीज रूप आत्माओं में जो जिस धर्म का होगा वो आधार मूर्त महात्माओं के साथ जाकर के उसी धर्म के साथ मिल जाएगा। और आधार मूर्त वाली आत्माएं जो जिस धर्म की होगी वो बाहर की दुनिया वाले उसी धर्म वालों के साथ मिलकर के एक हो जाएंगे। नहीं समझ में आया? जो इस्लामी होंगे वो आधार मूर्तों में जाकर के इस्लामियों के साथ मिल जाएंगे। जो आधार मूर्तों में बेसिक में इस्लामी होंगे वो बाहर की दुनिया के इस्लामियों से जाकर के मिल जाएंगे। बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा। बता ना, बीज रूप आत्मा बेहद, बेसिक पार्टी हद में भी है, कभी बेहद में भी है, क्योंकि बेहद का ज्ञान भी उनके पास पहुंच रहा है। और ये पक्का है कि ब्रह्मा कुमारियां बेसिक वाले तो सारे दुनिया वालों से मिलते ही चले जा रहे हैं। वो जो भी प्रोग्राम करते हैं, भक्ति मार्ग वाले प्रोग्राम करते हैं,
या ज्ञान के प्रोग्राम करते हैं, सारे भक्ति के प्रोग्राम हो रहे हैं, दुनिया वालों से पूरे ही मिल चुके। तो एडवांस वाले बेसिक वालों से मिल जाएंगे, जो जो जिस धर्म के होंगे उस ग्रुप से, और बेसिक वाले दुनिया वालों से मिलते जा रहे हैं। वहाँ के दादी सब आए ना बाबा, तो यहाँ आके गांधी मैदान में सब लड़की को रासलीला में नाच बजाए, जो भी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। मूल बात ये है कि हम पक्के पटे पर हैं या नहीं है, हमने एक को पहचाना है या नहीं पहचाना है। अगर हमने एक को पहचाना है तो हम एक सद्धर्म की स्थापना करेंगे, भले मुट्ठी में पांच पांडव बन करके रहे लेकिन उनकी विजय होगी। ऐसे ही थोड़े बोल दिया बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा। बाहर की दुनिया के जो धर्म गुरु हैं वो भी विरोध करेंगे। अभी बाहर की दुनिया के धर्म गुरु कहाँ विरोध में आए हैं मैदान में? अभी तो ब्राह्मणों की दुनिया के ही धर्म गुरु हैं, सन्यासी हैं, वो ही विरोध कर रहे हैं। तो अंदरूनी ब्राह्मणों की दुनिया के धर्म गुरु सन्यासी वो बाहर की दुनिया वालों से मिल जाएं और मिल करके उनके साथ विरोध करें, मुट्ठी भर ब्राह्मणों के साथ, और मुट्ठी भर विजयी होकर के दिखावे, तब पता चले कि हाँ भगवान है इनके साथ। इसलिए हमारी हार होती जा रही है और इनकी जीत होती जा रही है। ओम शांति।